हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट जीएससी। तो जैसा कि आप जानते हैं, इस बार मई के मंथ में झारखंड बोर्ड ने जैक ने 10th का रिज़ल्ट और 12th का रिज़ल्ट डिक्लेयर कर दिया। लेकिन हुआ क्या, बहुत सारे स्टूडेंट का रिज़ल्ट इस बार ख़राब रहा, काफ़ी स्टूडेंट फाइल हो गए। तो वैसे कैंडिडेट के लिए अपडेट निकल के आ रही है, तो उन्हीं को जो है यहाँ पर कंपार्टमेंटल एग्ज़ाम दिलवाया जा रहा है। तो आपको आवेदन कब से करना है, आपको आवेदन करने के लिए क्या करना होगा, इसके लिए आपको क्या फ़ी देना पड़ेगा, इन सारे बातों को हम आपके सामने बताएंगे और आप इस जानकारी को प्राप्त कर सकेंगे। तो चलिए देख लेते जो अपडेट निकल के आ रही है आपके लिए, जो एक्स कैंडिडेट हैं 10th और 12th के। तो यहाँ पर आपको एक बात मैं बता देता हूँ, जो एक सब्जेक्ट, दो सब्जेक्ट या फिर तीन सब्जेक्ट में फेल है, वही कंपार्टमेंटल एग्ज़ाम दे सकते हैं। अगर तीन सब्जेक्ट से आप अधिक में फेल हैं तो इस एग्ज़ाम को नहीं दे सकते हैं। इसके लिए आपको एक साल और इंतज़ार करना पड़ेगा आपके रिज़ल्ट के लिए। तो यहाँ पर जो अपडेट निकल के आ रही है वैसे कैंडिडेट के लिए, तो सबसे पहले आपको करना क्या है, मेरा चैनल टारगेट जीएससी को सब्सक्राइब कर लेना है, फिर बेल आइकॉन पर प्रेस कर देना है। चलिए बात कर लेते हैं अपडेट के बारे में आपका। तो यहाँ देख सकते हैं आज क्या लिखा है, अपडेट क्या दिया है यहाँ पर 18 जून को। तो यहाँ पर देखिए, 20 से भरे जाएंगे मैट्रिक इंटर कंपार्टमेंटल परीक्षा के फॉर्म। तो यहाँ पर 20 तारीख से आपका जो है फॉर्म भरना है, आपको आवेदन कब से करना है, 20 तारीख से करना है। तो पूरा खबर को डिटेल में पढ़ लेते हैं क्या है यहाँ पर। देखिए, विलम्ब शुल्क के साथ आप जो है यहाँ पर 28 से यहाँ पर जून से, देखिए है ना, 3 जुलाई तक, 28 जून से लेकर 3 जुलाई तक यहाँ पर चालान को जनरेट करना होगा। तो पूरा खबर पढ़ लेते हैं यहाँ, देखिए क्या लिखा है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक ने मैट्रिक एवं इंटर की कंपार्टमेंटल परीक्षा के लिए आवेदन करने की तिथि जारी कर दी है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार मैट्रिक एवं इंटर के कंपार्टमेंटल परीक्षा के लिए आवेदन करने की तिथि 20 जून से निर्धारित की गई है। तो यहाँ पर 20 जून से आप कर सकते हैं, और कब तक करना है ये भी देख लेते हैं। यहाँ पर 20 जून निर्धारित की गई है आवेदन के लिए। 20 से 27 जून तक आपको जो है ऑनलाइन चालान जनरेट किए जाएंगे और 28 जून को परीक्षा शुल्क जमा करना होगा। अंतिम तिथि यहाँ पर देखिए, अंतिम तिथि यहाँ पर जो दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है, यहाँ शुल्क जमा करने का अंतिम तिथि जो है यहाँ पर 28 जून है, जबकि लेट फाइन के साथ 28 जून से लेकर के आप 3 जुलाई तक यहाँ पर इसको जमा कर सकते हैं। परीक्षार्थी 5 जुलाई लेट फाइन के साथ फॉर्म को जमा कर सकेंगे। परीक्षार्थी इस परीक्षा में शामिल होने का आवेदन जैक की वेबसाइट www.jack.jharkhand.gov.in पर कर सकते हैं। तो पूरा अपडेट आप देख सकते हैं यहाँ पर, जो अपडेट आपके लिए था, जरूरी था, काफ़ी महत्वपूर्ण था, देख सकते हैं। एक और यहाँ पर देखिए, क्या करना होगा, कैसे होगा आपको आवेदन, यहाँ पर देखिए, यूज़र आईडी और पासवर्ड से भर सकेंगे फॉर्म। यहाँ पर देखिए, परीक्षार्थी जो है 2017-19 के पंजीयन के लिए विद्यालय को उपलब्ध कराए गए यूज़र आईडी और पासवर्ड की मदद से फॉर्म भर सकेंगे। वेबसाइट पर आवेदन पत्र अपलोड कर दिया गया है, यहाँ पर आवेदन पत्र जो है अपलोड कर दिया गया है। आप जाकर के वेबसाइट पे कैसे आपको फॉर्म भरना है, ये वीडियो हम आपको जल्द ही अवेलेबल करवा देंगे। यहाँ पर जैक ने स्पष्ट किया है कि किसी भी परिस्थिति में आवेदन फॉर्म भरने एवं बैंक में शुल्क जमा करने की निर्धारित समय सीमा को नहीं बढ़ाया जाएगा। तो अगर ये डेट आप जो है लेट कर देते हैं, किसी कारणवश छूट जाता है, तो आप जो यहाँ पर डिसक्वालीफाइड हो जाएंगे इस एग्ज़ाम को देने के लिए। तो डेट को यहाँ पर आपको हमेशा माइंड में सेटअप करके रखना है कि आपको फॉर्म भरना है। अगर आप एक्स कैंडिडेट हैं, इस बार 2019 में 10 या फिर 12th का यहाँ पर आप कंपार्टमेंटल एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें, जिसके वो भी अच्छे से कंपार्टमेंटल एग्ज़ाम की आवेदन करके अपने भविष्य को सुधार सके। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।